Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. तो दोस्तों विद्युत जामवाल स्टारर फिल्म जंगली का ट्रेलर आज यानी कि 6 मार्च के दिन रिलीज़ किया जाने वाला है। इस फिल्म के नए नए पोस्टर्स आप सभी के सामने पहले देखने को मिल चुके हैं। इस फिल्म के नए पोस्टर्स कल यानी कि 5 मार्च के दिन रिलीज़ किया गया था, अब वहीं दूसरा पोस्टर आज रिलीज़ कर दिया गया है। इस पोस्टर के अंदर आप देख सकते हैं विद्युत जामवाल एक हाथी के ऊपर खड़े नज़र आ रहे हैं और नीचे जंगली लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं इस फिल्म के अंदर, इस पोस्टर के अंदर विद्युत जामवाल बहुत ही शानदार बॉडी में नज़र आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा शानदार इनका लुक नज़र इस फिल्म के अंदर, इस पोस्टर के अंदर आ रहा है। इससे पहले हमने आप सभी को जानकारी दी थी कि विद्युत जामवाल की इस नई फिल्म का पोस्टर भी आ गया है और साथ ही साथ इस फिल्म का ट्रेलर भी अब आने वाला है। आज यानी कि 6 मार्च के दिन इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ किया जाएगा। ये फिल्म 5 अप्रैल 2019 के दिन रिलीज़ की जानी है और इस फिल्म के ट्रेलर के आने की जानकारी हम सभी को तरण आदर्श के एक ट्वीट के ज़रिए मिली, जिसके अंदर आप देख सकते हैं तरण आदर्श ने लिखा है कि सेकेंड पोस्टर जंगली मूवी का अब आ चुका है, जिसके अंदर विद्युत जामवाल स्टार कर रहे हैं और पूजा सावंत एंड आशा भट्ट भी नज़र आने वाली है इस फिल्म के अंदर स्टार करती हुई। साथ ही साथ इस फिल्म को डायरेक्ट किया है चक रुशल ने और प्रोड्यूस बाय विनीत जैन और को प्रोड्यूसर इस फिल्म की हैं प्रीति सहानी और ये फिल्म 5 अप्रैल के दिन रिलीज़ की जानी है। कुछ इस तरह स्टारकास्ट इस फिल्म की बताई गई। आप सभी को बता दें इस फिल्म को जंगली प्रोडक्शन हाउस तरह ही निर्माण किया गया है। इस फिल्म के अंदर सारे सीन्स आप सभी को जंगल के अंदर के दिखने वाले हैं, जिसके अंदर विद्युत जामवाल जानवरों के साथ खेलते नज़र आने वाले हैं। विद्युत जामवाल जब भी कोई फिल्म लेकर आते हैं वो बहुत ही शानदार होती है, उसके अंदर विद्युत जामवाल की बॉडी और लुक्स भी बहुत शानदार होते हैं। तो कुछ इस तरह ही ये फिल्म भी होने वाली है। आपने पिछले फोटोज़ और पोस्टर्स में देखा होगा कि विद्युत जामवाल हाथी के साथ नज़र आ रहे हैं। दरअसल विद्युत जामवाल इस हाथी के साथ इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनका इस फिल्म के अंदर ये हाथी एक तरीके से दोस्त होने वाला है, जिसका नाम होने वाला है भोला। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह से विद्युत जामवाल के दोस्त का किरदार निभाने वाले हैं ये हाथी और इनका नाम होने वाला है भोला। इससे पहले आपने जस्ट पहले रिलीज़ 22 फरवरी को हुई टोटल धमाल के अंदर जानवर के साथ खेलते नज़र आ रहे एक्टर्स को देखा होगा, पर अब इस फिल्म के अंदर आप सभी को पूरी की पूरी मूवी ही जंगल के अंदर दर्शाती नज़र आने वाली है। तो दोस्तों अब हमें कमेंट ये करके बताएं कि आपको जंगली मूवी का कितना इंतज़ार है। 5 अप्रैल को ये मूवी आने वाली है और साथ ही साथ आप हमें ये कमेंट करके बताएं कि आपको विद्युत जामवाल का ये नया लुक कैसा लगा। और बाकी के ऐसी और खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड जंक्शन। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स। तो दोस्तों अक्षय कुमार अपने फैंस के लिए एक नया तोहफा लेकर आ चुके हैं। इस तोहफे के अंदर आप सभी देख रहे होंगे कि अक्षय कुमार आग में लथपथ नजर आ रहे हैं। दरअसल ये तोहफा ये है कि अक्षय कुमार अब अपना डेब्यू करने वाले हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। जी हाँ दोस्तों, अमेजोन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा शानदार वेब सीरीज़ क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर आप सभी ने देखा होगा कि सैफ अली खान जैसे एक्टर भी सेक्रेट गेम जैसे सीरीज़ में काम कर चुके हैं। तो कुछ इस तरह ही अक्षय कुमार, जो कि हमेशा से ही खिलाड़ी कुमार के नाम से जाने जाते हैं, तो वो अब एंड गेम नाम का वेब सीरीज शो लेकर आ रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें अमेज़ॉन प्राइम के इस प्रमोशनल इवेंट पर अक्षय कुमार ने अपने शरीर पर आग लगाई और इस इवेंट को प्रमोट किया। इसमें इन्होंने बताया कि एंड गेम नाम की वेब सीरीज़ भी आने वाली है, जिसके अंदर अक्षय कुमार ऐसे खेलते नज़र आने वाले हैं। एंड गेम नाम ही ऐसा है जिससे साफ पता चलता है कि अब अक्षय कुमार ऐसे खिलाड़ी बनने वाले हैं जो सिर्फ मौत से खेलेंगे। तो कुछ इस तरह से होने वाली है एंड गेम नाम की सीरीज़ की कंसेप्ट। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अक्षय कुमार कितना ज़्यादा धमाका अपने इस वेब सीरीज़ से मचाने वाले हैं, आप हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अक्षय कुमार को आप इस नए लुक और साथ ही साथ इस पुराने खिलाड़ी वाले एक्शन टैग के साथ वापस आप इस वेब सीरीज़ पर देखेंगे, तो आप उसके लिए कितने एक्साइटेड हैं ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाकी की ऐसी और भी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड जंक्शन, ताकि आपको हर खबर मिले यहाँ पर सबसे पहले।
Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म हेरा फेरी को लोग आज भी देखना कितना पसंद करते हैं, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीरीज के तीसरे पार्ट को लेकर सोशल मीडिया पर हर दिन फैंस जल्द से जल्द इस फिल्म पर काम शुरू करने की बात कहते आए हैं। फैंस के इंतज़ार को ख़त्म करते हुए डायरेक्टर इंद्र कुमार ने ऐलान कर दिया है कि हेरा फेरी 3 की शूटिंग कब शुरू होगी। दरअसल बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों फिल्म टोटल अमाल का जादू दर्शकों के सर चढ़कर बोल रहा है। शायद यही वजह है कि इंद्र कुमार अपनी एक और सुपरहिट फिल्म की सीक्वल को पर्दे पर लाने जा रहे हैं। हेरा फेरी 3 को लेकर तैयारियाँ भी शुरू हो गई हैं। हेरा फेरी 3 पर बात करते हुए इंद्र कुमार ने कहा, मुझे खुशी है कि राजू श्याम और बाबूराव आपटे बड़े पर्दे पर वापस आ रहे हैं। मैं इस फिल्म को 2019 में आखिर में शुरू करूंगा। हम लोग अभी इसके स्क्रिप्टिंग में लगे हुए हैं। ये खबर हर बॉलीवुड फैंस के लिए बेहद ही अहम है। खबरों की माने तो इस फिल्म को पिछले ही साल दिसंबर के महीने में फ्लोर पर आना था, लेकिन कहानी में इशू चलते देरी हो गई। फिल्म को लेकर इंद्र कुमार ने आगे कहा कि हेरा फेरी 3 पर पिछले 3 महीनों से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मैं टोटल धमाल में व्यस्त था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे VFX यूज़ करने में अब काफ़ी मज़ा आता है। टोटल धमाल में हमने काफ़ी सारा VFX यूज़ किया था और हेरा फेरी 3 में भी हम इसका भरपूर उपयोग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को हेरा फेरी 3 खूब पसंद आएगी। साफ है कि जल्द ही फिल्म पर्दे पर होगी। साल के अंत तक फिल्म फ्लोर्स पर भी आ जाएगी। इसके अलावा अक्षय कुमार गोल्ड के प्रमोशन के दौरान पर इस बात पर मोहर लगा चुके हैं कि वो इस फिल्म में काम करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स की कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस आपने पहले भी देखे होंगे। और साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म की बाकी स्टारकास्ट के बारे में जल्द खुलासा हो जाएगा। अब देखना होगा कि इंद्र कुमार और साजिद नाडियावाला कितनी जल्द फिल्म को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा करते हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट ये करके बताएं कि आपको हेरा फेरी 3 सीरीज़ क्या कितना इंतज़ार है, और हेरा फेरी फिल्म आपको पहले वाली कितनी अच्छी लगी। और बाकी की ऐसी और भी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड जंक्शन, ताकि आपको हर खबर मिले यहाँ पे सबसे पहले। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स। अजय देवगन की फिल्म टोटल धमाल इन दिनों सिनेमा हॉल में ज़बरदस्त धमाल मचा रही है। अब वो नए एक प्रोजेक्ट की तैयारी में जुट गए हैं। बॉलीवुड निर्देशक अमित शर्मा ने पिछले साल बदायूं जैसी सुपरहिट फिल्म दी थी। अब इस फिल्म के बाद अमित स्पोर्ट्स बायोपिक लेकर आ रहे हैं, जिसमें अजय देवगन मुख्य भूमिका में नज़र आएंगे। यह फिल्म फुटबॉल पर आधारित होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन के लीड रोल वाली ये फिल्म साल 1951 से 1962 के बीच भारतीय फुटबॉल के स्वर्णिम काल पर आधारित होगी। इस फिल्म में अजय देवगन सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभाएंगे, जो उस समय भारत की नेशनल फुटबॉल टीम के कोच और मैनेजर भी थे। अमित शर्मा ने साथ ही बताया कि इस फिल्म की शूटिंग इस साल मई या जून में शुरू हो जाएगी। दर्शक आजकल ऐसी फिल्में देखना काफ़ी पसंद भी करते हैं, और ऐसी फिल्में अच्छी कमाई बॉक्स ऑफिस पर भी कर दिखाती है। हालांकि जब उनसे सफल फिल्मों की परिभाषा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि सफल फिल्मों की कोई परिभाषा नहीं होती, सफल व्यक्ति को अपनी सफलता कंट्रोल में रखनी चाहिए। कुछ इस तरह से अमित शर्मा ने अपना जवाब दिया। और दोस्तों, अब हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको अजय देवगन का ये नया किरदार कैसा लगने वाला है। अजय देवगन अब एक नया फुटबॉल के कोच वाला किरदार इस फिल्म के अंदर निभाने वाले हैं। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इस फिल्म का कितना इंतज़ार रहेगा, और साथ ही साथ बताएं कि इस नए किरदार पर आपका क्या कहना है। और बाकी की ऐसी और भी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड जंक्शन, ताकि आपको हर खबर मिले यहाँ पे सबसे पहले। Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates.